हेलो दोस्तों, आज आपको मैं लोगो लगाना बताऊंगा सीवी के बोर्ड के अंदर। सबसे पहले तो आप इसके अंदर एक पेन ड्राइव लगा लीजिए। ये बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड है। इसके अंदर मैं आपको लोगो लगाना बताऊंगा कि लोगो लगाते कैसे हैं। तो सबसे पहले आपको पेन ड्राइव लगाना है बोर्ड के अंदर। बोर्ड के अंदर पेन ड्राइव लगाने के बाद आपको इसका सर्विस मोड खोलना है, जो कि इसका सर्विस मोड है मेन्यू 1147। ये देखो सर्विस मैट खुल गया। सर्विस मोड खोलने के बाद इस पर जाना है आपको कॉमन ऑप्शन। ये देखिए कॉमन ऑप्शन पर गए। कॉमन ऑप्शन में जाने के बाद देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है आपका एक्सपोर्ट अपग्रेड लिखा हुआ आ रहा है। एक्सपोर्ट अपग्रेड पे क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है लोगो। ये लोगो पे जाओगे तो आपको यहाँ पे रेड वाला एरो बटन दबाना पड़ेगा। ये आयर वाला बटन दबाओगे, यहाँ दो मैसेज आएंगे, कैंसिल का और डेटीमेंट का। तो आपको डेटीमेंट पे क्लिक करना है। देखिए इसमें सक्सेस लिख के आ चुका है, क्योंकि इसके अंदर मैंने पैलोरी पेन ड्राइव में एक फ़ोटो बना के कर रखा है। आपको ब्लैंक पेन ड्राइव लेनी है, और ब्लैक पेन ड्राइव पर जैसे आप करते हो यहाँ पर लिख के आता है फाइल नॉट फाउंड। तो उस केस में आपका जो पेन ड्राइव में फ़ोटो बन के आ जाएगा, जब फोल्डर बन के आ जाएगा तो आपको सेकेंड पार्ट करना है, वो आपको सेकंड वीडियो में दिखाता हूँ। ये देखिए ये मैंने पेन ड्राइव ले ली, ये मैंने पेन ड्राइव अपने लैपटॉप में लगाई। अब जब आप उसको सेलेक्ट करोगे वहाँ पे लोगो पे, तो अब यहाँ पे देखिए अब मेरे को उसका ऑप्शन खोलना पड़ेगा पेन ड्राइव का। ये मैंने खोला, ये गया मैं इस पर अपने। अब देखिए इसमें फोल्डर बन के आ चुका है ये वाला CTV USB EU। आपको इस पर क्लिक करना है। देखिए मैंने इस पर जो फोल्डर में इमेज लगा रखी है वो ये लगा रखी है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई दूसरी इमेज लगाना, तो उसके लिए मेरे पास फोल्डर में टीवी आइकन सीरा, मुझे मान लीजिए कोई लोगो लगाना है, जैसे कि मेरे को लगाना है आपका ये LED वाला लगा देना है, ठीक है ना, ये लोगो। अब ये लोगो लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको पहले यहाँ से कॉपी करूँगा, और एक ही लोगो लेना है सर आपको। इस टाइम कॉपी लिया, और जो मेरा पेन ड्राइव में था, पेन ड्राइव में जाएंगे, ये था ना ऑप्शन वाला CTV वाला, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यार ये जो इमेज है उसको डिलीट करना पड़ेगा आपको। डिलीट करने का यहाँ पेस्ट करने का ध्यान रखना आपको, यहाँ पर इसको रीनेम करना है। रीनेम करना है तो क्या BOOT0 बूट जीरो विदाउट स्पेस, यहाँ से इसको कैंसिल कर देना है। कैंसिल करने के बाद अब आपने पेन ड्राइव में देख लीजिएगा एक बार दोबारा कि ये वाली इमेज बनी है कि नहीं बनी, देख लेते हैं। बूट जीरो लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये वाली पेन ड्राइव को क्या करना है, अपना यहाँ से बाहर निकाल देनी है। ये बाहर निकालने के लिए वाली पेन ड्राइव आपको टीवी के अंदर लगानी पड़ेगी। ये रहा अपना टीवी। पहले मैं इसे सर्विस मोड से पूरा बाहर निकल जाता हूँ, एग्जिट हो जाता हूँ। ये मैं एग्जिट हो चुका हूँ बाहर, ये एग्जिट हो चुका हूँ। अब मुझे पहले ये पेन ड्राइव लगा लेता हूँ इसके अंदर, फिर आपको बताता हूँ। ये देखिए मैंने पेन ड्राइव लगा दूंगा ना, तो उसमें ऑप्शन लिखा जाता है कि योर USB डिवाइस कनेक्टेड। तो फिर आपको दोबारा इसका सर्विस मोड खोलना है, वही मैन्यू 1147। देखिए वही ऑप्शन खोला, फिर आपको दोबारा उसी में जाना पड़ेगा कॉमन ऑप्शन। ये कॉमन ऑप्शन में गए, देखिए वही लिखा हुआ है यहाँ पे एक्सपोर्ट अपग्रेड। वापस इस पर लोगो पे जाना पड़ेगा, ये लोगो पे गए, ये लोगो, ये रहा लोगो। इस लोगो पे जाने के बाद वही आपको रेड वाला है बटन दबाना है। देखिए ये लिखा है यहाँ पे कंफर्म वेदर इंपोर्ट, तो डिटीमान कर देंगे। देखिए सक्सेस लिख के आ गया। इसको ओके करने के बाद आपको जब भी ये लोगो लगा दो तो यहाँ से एग्जिट जरूर कर देना। एग्जिट करने के बाद आप सीधा आप यहाँ डायरेक्ट इसको मेन स्विच से बंद करना। अब मेन स्विच से बंद करने के बाद इसको वापस चालू करना। जैसे चालू करता है TV स्टैंड बाय में होगा, स्टैंड बाय से ऑन करो। अब आपका देखिए लोगो लग के आ चुका है। तो ये सिर्फ CVV के बोर्ड में ही लगेगा लोगो इस स्टाफ से,
टीपी के बोर्ड में अलग लगता है, वीएस वाले बोर्ड में अलग तरीके से लगाया जाता है, सीवी के बोर्ड में लगाओगे तो दोस्त ऐसे ही लगाना है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कॉल कर सकते हो। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, देखने के लिए आपका।